सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी साकेत की धरती से, जो आजकल अयोध्या बन गया है, वहाँ के तीन ब्राह्मण धर्म के बाबाओं ने हमारे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को, विधायक राजेंद्र पाल गौतम को, दिल्ली वालों को ये धमकी दी है वीडियो बनाकर कि जो भी उनका सर काट के लाएगा, जो भी उनकी जेबहा काट के लाएगा, उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। मैं भारत के हक वंचित, असहाय, कमजोर और बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आज आपके भारत में आपकी ये दयनीय स्थिति हो गई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और अपने धर्म से भटक गए हो। जिस दिन आपने इनकी व्यवस्थाओं को छोड़ दिया, उस दिन ये बौने हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनके मंदिर बंद हो जाएंगे, और इस औकात में नहीं होंगे कि आपसे सर उठा के बात कर सकें। सर काटने की तो बहुत बड़ी बात है। ये बाहर से आए हुए लोग जबरदस्ती अपनी संस्कृति, दर्शन को थोप कर आपको गुलाम बना बैठे हैं। 100 करोड़ की आबादी है आपकी, और ये अल्पजन आपसे कह रहे हैं कि आपका सर काटूंगा, और जो काट के लाएगा उसे 50 लाख रुपए इनाम देंगे। याद रखना, ये सर काटने का काम डकैत करते हैं, गुंडे करते हैं, बदमाश करते हैं, संतों को, स्वामियों को ये शोभा नहीं देता। तथागत भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटते। बुद्ध ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि उनका जवाब उनके शब्दों से हम दें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुत्ता अगर काट ले तो कुत्ते को काटा नहीं जाता है, बांधा जाता है, कमजोर किया जाता है, ताकि वो दोबारा ना काट सके। इसलिए आज बहुजन समाज के लोग समझ जाओ कि वो तुम्हें कमजोर, पंगू, असहाय समझते हैं, इसलिए तुम्हारे नेता पर, तुम्हारे अपने व्यक्ति पर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। और याद रखना, ऐसा वो कर भी सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने आपके ही देश पर, आपके साधन संसाधन पर कब्जा कर रखा है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में उनका कब्जा हो गया है, क्योंकि आप किसी काम के नहीं हो। इसलिए आओ हम सब एक हो जाते हैं और मिलकर अपने देश को, महापुरुषों को और अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं। मैं अयोध्या के इन संतों का विरोध करता हूं जिन्होंने इस तरह की जुबान चलाई है। हिंदू धर्म भी नहीं, ब्राह्मण धर्म भी नहीं, भारत का कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता कि कोई संत ऐसी भाषा बोले। ये भाषा गुंडों की होती है, मवालियों की होती है, बदमाशों की होती है। इसलिए मैं आज आपको आगाह करता हूँ, आपको चेतावनी देता हूँ, ये इनकी भाषा इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि इनको लग रहा है कि हक वंचित, असहाय, बहुजन समाज इनके चुंगुल से निकल रहा है, इनकी गुलामी से मुक्त हो रहा है। ये बुद्ध के दर्शन में जा रहा है, बुद्ध के धर्म में जा रहा है, 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है, अंबेडकर वादी हो रहा है। तो इनकी बौखलाहट है, ये डर गए हैं, इनकी बौखलाहट है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि ये देश संविधान से चलता है, गीता पुराण से नहीं चलता है। हम संविधान के हवाले इन बाबाओं को करना चाहते हैं। मैं पुलिस का सम्मान करता हूं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। मैं ऐसी कोई भाषा नहीं बोलूंगा जो आपत्तिजनक होगी, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलता है, सरकार से, कि ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर इनकी जुबान फिसली क्यों, इनके मंसूबे इतने खराब क्यों हुए। अगर जुबान से ऐसा निकला है तो ऐसे वो हो सकते हैं, उनकी जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं, हम अकेले नहीं, 100 करोड़ लोग भारत के, हम सब लोग राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हैं। और अगर कोई एक नजर भी उठा के उधर देखा तो देश में रक्त रंजित क्रांति हो सकती है, गृह युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश को देश बना रहने दो, राष्ट्र को राष्ट्र बना रहने दो, यहां झगड़े फसाद मत करो। आप जैसा कर सकते हो ऐसा कोई दूसरा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसा कर सकते हो।
मेरे एक विधायक हैं, भागलपुर के विधायक हैं पासवान जी, उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान लक्ष्मी को नहीं मानता है, फिर भी वो अरबपति है। अमेरिका में किसी भी हनुमान का मंदिर नहीं है, फिर भी अमेरिका सुपर पावर है। हमें कसौटी पे कसना होगा। मैं आज उस विधायक के साथ खड़ा हूं, उन्होंने विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर बिल्कुल सत्य बोला है। मैं आदरणीय विधायक जी के साथ खड़ा हूं, आप हिम्मत मत हारिए, आप डटे रहिए। इन पौंगा पंथियों से देश नहीं, देश संविधान से और विज्ञान से चलता है और बुद्ध के दर्शन से चलता है। आप कोई असहाय और कमजोर लोग नहीं हो, इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। आप भटक गए थे, वंचित हो गए थे, शिक्षा से हट गए थे और आप अपनी विरासत भूल गए थे, इसलिए गरीब और कमजोर हो गए हो। आज मैं फिर आह्वान करता हूं, आओ और ऐसे झूठे लोगों से, ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों से निपटने के लिए कमर कस लो, नहीं तो ये लोग एक एक करके टारगेट करेंगे और आपका मनोबल गिरा देंगे। मैं इन अयोध्या के बाबाओं का विरोध करता हूं, मैं ऐसी भाषा नहीं बोल सकता क्योंकि बुद्ध ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। लेकिन याद रखना, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि मैं शराब नहीं पीता। अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री, शराब बेचने वाले ठेके ये विरोध करें कि राजेंद्र पाल गौतम खराब व्यक्ति है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं भी कह रहा हूं मैं शराब नहीं पीता, मैं नहीं मानता। जबरदस्ती नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष भारत है, संविधान हमें आजादी देता है। आप हमारे साथ बर्बरता नहीं कर सकते, आप हमारा मनोबल नहीं गिरा सकते। आओ बहुजनों, खड़े हो जाओ, ये इनकी बौखलाहट है और इसका डट करके हम मुकाबला लेंगे। और आज धम्म दीक्षा 22 प्रतिज्ञा अभियान भारत के तहत ये अभियान अब पूरे भारत में चलेगा और हम हक वंचित असहाय कमजोर समाज को बुद्ध की तरफ ले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।